डिसग्रंटल्ड का क्या मतलब होता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं। डिसग्रंटल्ड का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो नाउन के रूप में उस व्यक्ति को हम डिसग्रंटल्ड कह सकते हैं जो डिसग्रंटल हुआ हो, यानी कि जो किसी से असंतुष्ट हो, नाराज हो, या क्रोधी हो यानी गुस्से में हो, या खफा हो, तो उसको डिसग्रंटल्ड कह सकते हैं। इसके अलावा डिसग्रंटल्ड जो है वो डिसग्रंटल का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि डिसग्रंटल की ही सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है डिसग्रंटल्ड। और डिसग्रंटल का मतलब होता है क्रोधित करना, खिजलाना या खिजाना, चिढ़ाना या गुस्से में लाना। तो जिसे गुस्से में लाया गया हो या जिसे क्रोधित किया गया हो या क्रोधित किया या कर दिया को हम डिसग्रंटल्ड कहते हैं। यानी कि डिसग्रंटल्ड इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समवन हु इज डिससैटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड और अनहैप्पी विद अ सिचुएशन, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज से असंतुष्ट होता है, नाराज होता है, तो उसको डिसग्रंटल्ड कहा जाता है। इसका एडजेक्टिव के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने काम से या अपनी नौकरी से जो सेटिस्फाइड नहीं होता उसको डिसग्रंटल्ड कहते हैं। और इसके बारे में और अधिक डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। और इसको एक एग्जाम्पल सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहें कि कंपनी की नीतियों में हालिया बदलाव के बाद कुछ कर्मचारी कामकाजी परिस्थितियों से असंतुष्ट हो गई, तो आप कह सकते हैं आफ्टर द रिसेंट चेंजेस इन कंपनी पॉलिसीज सम एम्प्लॉइज बिकेम डिसग्रंटल्ड विद द वर्क कंडीशंस। या अगर आप ये कहना चाहें कि असंतुष्ट ग्राहक ने उत्पाद की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया, तो आप कह सकते हैं द डिसग्रंटल्ड कस्टमर एक्सप्रेस्ड डिससैटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।